Hello everyone, welcome to my YouTube channel, that is General Organic Chemistry. तो इस वीडियो में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जनरल पार्ट है दैट इज उसमें इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, रेजोनेंस आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट्स आएंगे और कुछ जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म भी आएगा, तो उसके बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. थोड़ा बहुत हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे कि इसमें होता क्या है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. नाउ फर्स्ट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज GOC. अब देखिए जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते कैसे ना, रिएक्शंस में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज टेक्स प्लेस इज नोन एज रिएक्शन. तो रिएक्शन में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टेक्स प्लेस. जैसे अब यहां पे एग्जांपल दिया है मैंने आपको, ए बी रिएक्ट विथ एक्स वाई, तो आपको क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस बी वाई, करेक्ट. तो यहां पे क्या होगा, ये हो गया आपका ओल्ड बॉन्ड, करेक्ट. ये भी कैसा हो गया आपका, ओल्ड बॉन्ड. और यहां पे क्या बन गया, न्यू बॉन्ड बिटवीन ए एंड एक्स. और यहां पे भी क्या हो गया, न्यू बॉन्ड बिटवीन बी एंड वाई. तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक रिएक्शन. अब देखिए जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें देखिए क्या करना होता है आपको, रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट, मोस्टली क्या होता है, रिएक्टेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, आपको मिलता है प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट मिलने के लिए दो वे होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट रिएजेंट रिएक्ट होके आपको देगा पहले तो ट्रांजिशन स्टेट, पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. दूसरा वे क्या होता है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट. और एक क्या बन सकता है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट. मोस्टली ये वे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज, इसके ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है. तो जैसे अगर रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन सकता है, कार्बोएनायन बन सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल बन सकता है, कार्बिन नाइट्रिन एंड बेंजाइन, दिस ऑल आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, ऑल आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स. तो रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट का दूसरा नाम होता है सबस्ट्रेट, इसी को क्या बोला जाता है, सबस्ट्रेट. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी रिएक्टेंट होता है उसको लार्ज अमाउंट में लिया जाता है, ये क्या होता है, इन लार्ज, टेकन इन लार्ज अमाउंट. और जो रिएजेंट होता है उसको क्या किया जाता है, टेकन इन स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट. जैसे रिएजेंट मोस्टली क्या होता है, एसिड्स, बेस एक्सेट्रा. इसमें रिएक्टेंट में क्या हो सकता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्केन अल्कीन अल्काइन. और क्या हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड अल्कोहल, इवन दो अल्डिहाइड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, आर एन एच टू इज ऑल्सो प्रेजेंट, इवन दो अमाइड ऑल्सो इज प्रेजेंट. तो ये क्या हो गया आपके, रिएक्टेंट्स. तो इसको क्या बोला जाएगा, नाउ दिस आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स. तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, अल्केन हो सकता है, अल्किन हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, मीन्स अल्काइन अल्कोहल अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड अमाइन, है ना, अमाइन अमाइड और अल्डिहाइड कीटोन्स, ईस्टर भी हो सकता है. ये हो गया आपके रिएजेंट्स, तो रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट और रिएजेंट रिएक्ट होकर क्या बनेगा आपको, प्रोडक्ट मिलेगा. प्रोडक्ट मिलने के दो चांसेस, एक ट्रांजिशन स्टेट और एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट. तो ऐसे चल के आपका रिएक्शन होता है और आपको मिलता है प्रोडक्ट. अब एक्चुअली जब भी रिएक्शन होगा ना, तो रिएक्शन होते समय होना क्या चाहिए, तो अभी मैं यहाँ पर पढ़ना है कि रिएक्शन में होगा क्या. देखिए ये वाला यहाँ पे मैंने दिया है, जब भी रिएक्शन होता है तो बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड टूटते हैं ना. तो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, दैट इज हेटेरोडिक क्लीवेज और फिशन. देखिए इसमें क्या होता है, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द बॉन्ड क्लीवेज इज नोन एज हेटरोसाइक्लिक फिशन, हेटेरोलिटिक फिशन. अब देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है, अब देखिए कार्बन है और ये जेड, जेड इज एनी ग्रुप और एटम, दो इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना है. अगर मान के चलिए जेड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इफ जेड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो जेड क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा. बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड बिकम नेगेटिव, दैट इज एनायन, एंड कार्बन बिकम कैटायन. अब इसमें क्या हुआ, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जेड ने अट्रैक्ट कर लिए, मीन्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो देर इज फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड देर इज फॉर्मेशन ऑफ एनायन, इज कॉल्ड एज हेटेरोलाइटिक फिशन. ऐसा भी हो सकता है कार्बन दो इलेक्ट्रॉन खींच ले, कार्बन बनेगा माइनस चार्ज मीन्स एनायन और जेड क्या बनेगा कैटायन, ये भी पॉसिबिलिटी है.
ऐसे फिशन को बोला जाता है हिट्रोलिटिक फिशन। ऐसे फिशन को क्या बोला जाएगा? हिट्रोलिटिक फिशन, ऐसा फिशन जिसमें कैटायन और एनायन बनता है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ब्रोमीन पे निगेटिव चार्ज, ब्रोमीन इज एनायन एंड कार्बन पे प्लस चार्ज, मीन्स ये क्या बना आपका? कैटायन। नाउ दिस वन इज कैटायन। तो ये एक पॉसिबिलिटी हुआ फिशन ऑफ बॉन्ड अकॉर्डिंग टू हिट्रोलिटिक फिशन, देर इज फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब देखिए नेक्स्ट होता है होमोलिटिक फिशन। इसमें देखिए क्या करना है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज होमोलिटिक फिशन। अब जैसे देखिए यहां पे ए का बॉन्ड बना है, एवरी सिंगल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। अब देखो दोनों सेम एटम है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, तो यहाँ पे ए डॉट बना, यहाँ पे ए डॉट बना, दैट इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रोमीन के केस में बी आर एक डॉट वापस लेगा अपना, ये ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड टू टू ट्राई बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, यहाँ पे भी क्या बना, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब इस केस में भी देखिए सी एच थ्री डॉट बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, सी एच थ्री डॉट, तो ये क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। सो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल इज कॉल्ड एज होमोलिटिक फिशन, मीन्स इसमें क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो जनरल हो गया अबाउट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शंस को तोड़ना कैसे। अब देखिए अभी हमें क्या करना है, तो देखिए रिएक्शंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इक्वल और अनइक्वल। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, फर्स्ट वन इज परमानेंट इफेक्ट एंड सेकेंड वन इज टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट में आता है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये तीन इफेक्ट होते हैं। और टेम्पररी में आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। चलिए आज के वीडियो में आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। सो पहले थोड़ा इसका थ्योरी पढ़ लेंगे, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली। तो इसका डेफिनेशन पहले आपको पढ़ना है। देखिए डेफिनेशन में क्या होता है, वन वन पॉइंट पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। फिर से देखिए, द परमानेंट द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कवर किया था इनगोल्ड ने, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज इफेक्टिव अप टू कार्बन थ्री और फोर एंड इट इज निग्लिजिबल आफ्टर कार्बन थ्री एंड फोर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सो हम लोग बोल सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट का पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। नेक्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज मेजर विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम, दैट मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज जीरो। तो हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रेफरेंस लेते हैं और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जीरो। देर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में होता ही क्या है, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। चलिए एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कार्बन 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 और यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे दिया ब्रोमीन। चलो ठीक है, कार्बन के चार वैलेंसी हम लोग यहाँ पे सेटिस्फाई कर देंगे क्योंकि कार्बन का फोर वैलेंसी। जैसे कि हमें पता है ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, करेक्ट, जैसे हमें पता है ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब ब्रोमीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो इस पे चार्ज आएगा डेल्टा माइनस, कार्बन दे रहा है इसलिए कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, डेल्टा प्लस। हो गया पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब ये देखिए कार्बन डेफिशिएंट हुआ, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, डेल्टा प्लस। मैं इसको डेल्टा वन प्लस देता हूं, इसको डेल्टा टू प्लस। फिर से क्या करेगा, ये वाला कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचते जाएगा, तो इस पे चार्ज क्या आएगा, डेल्टा फोर प्लस, थ्री प्लस, डेल्टा थ्री प्लस, ये क्या बना, डेल्टा थ्री प्लस। अब ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, डेल्टा फोर प्लस। अब देखिए पहले इन कार्बन पे चार्ज नहीं था,
बिकॉज ऑफ एडजेसेंट ग्रुप दैट इज मोर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इसके कारण क्या हुआ, कार्बन चेन पे चार्ज आ गया, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। डेफिनेशन क्या बोलती है, द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए, ब्रोमीन इज कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो एक बात क्वेश्चन यहां पे बनता है, विच कार्बन इज मोर डेफिशियंट, कार्बन वन, कार्बन टू, कार्बन थ्री या कार्बन फोर। तो सोचिए कि कार्बन वन डेफिशियंट होना चाहिए, कार्बन टू, कार्बन थ्री और कार्बन फोर, हमें देखना कि विच कार्बन इज मोर डेफिशियंट। अब देखिए, जो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होगा वो कार्बन क्या होगा, हाईली डेफिशियंट। देखिए क्या होगा, ब्रोमीन इससे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये सबसे डेफिशियंट, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो गया। इस केस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा बढ़ेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड और बढ़ जाएगा और यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे ज्यादा रहेगा। जो कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच रहेगा वो क्या रहता है, डेफिशियंट। तो कार्बन वन इज मोर डेफिशियंट, कार्बन वन इज मोर डेफिशियंट। देखिए हमने ये पॉइंट बोला है, इंडक्टिव इफेक्ट इज निग्लिजिबल आफ्टर कार्बन थ्री एंड फोर। देखिए कार्बन वन पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा, टू पे डिक्रीज, थ्री पे डिक्रीज, फोर पे और क्या होगा, डिक्रीज, फोर के बाद क्या होता जाएगा, निग्लिजिबल। ये होता है जनरल इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं, यहां पे CH3, CH2, CH2, Cl। चलो बताओ कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्लोरीन पे डेल्टा माइनस चार्ज, इस पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस चार्ज। अब ये डेल्टा प्लस क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे क्या आएगा, फिर से डेल्टा प्लस चार्ज, इस पे भी क्या आएगा, डेल्टा प्लस चार्ज। तो हमें पता है जो कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के साथ डायरेक्टली अटैच रहेगा वो डेफिशियंट, कार्बन वन इज हाईली डेफिशियंट, देन कार्बन टू, देन कार्बन थ्री। तो ये होता है जनरल इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये हो गया जनरल ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप्स होते हैं, हमने पढ़ा था पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज माइनस आई ग्रुप। जैसे अब देखिए CH3Br, ये कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ब्रोमीन, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो माइनस आई ग्रुप, ये हो गया माइनस आई ग्रुप, और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या हो गया आपका, प्लस आई ग्रुप। तो देखिए कोई माइनस आई ग्रुप सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता है, माइनस आई ग्रुप के साथ प्लस आई ग्रुप अटैच होता ही होता है। तो कुछ यहां पे मैंने एग्जांपल दिया, माइनस आई ग्रुप के साइनाइड हो गया, SO3H हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या हो गया आपके माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप क्यों, बिकॉज ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपना तरफ खींचेगा, ये हो गया माइनस आई ग्रुप। नेक्स्ट प्लस आई ग्रुप के केस में हमें कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, देखिए प्लस आई ग्रुप, द टेंडेंसी ऑफ एटम टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कार्बन चेन इज कॉल्ड एज प्लस आई ग्रुप। जो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या हो जाएगा आपका, प्लस आई ग्रुप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे देता हूं CH2 डबल बॉन्ड CHO-, अब ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, ये क्या करेगा, अपना माइनस चार्ज इसको दे देगा, तो इस केस में क्या होगा, ये एक्ट करेगा प्लस आई ग्रुप, ये क्या हो जाएगा, प्लस आई ग्रुप। जो भी एटम कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस आई ग्रुप। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3CH2Na, सोडियम क्या होगा, मेटल क्या करेगा, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये डेल्टा प्लस बनेगा, ये डेल्टा माइनस बनेगा, सो बिकॉज ऑफ डेल्टा प्लस चार्ज सोडियम इज प्लस आई ग्रुप, तो ये क्या हो गया हमारा, प्लस आई ग्रुप। तो ऐसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है प्लस आई ग्रुप। तो मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द प्लस आई ग्रुप इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3CH2OH, ये पहला हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल CH3CH2NH2, थर्ड एग्जाम्पल CH3CH डबल बॉन्ड CH2, फोर्थ एग्जाम्पल CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, नेक्स्ट एग्जाम्पल बेंजीन को हमने CH3 लगा दिया, टोलिन हो गया, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, जो भी सर्कल वाले ग्रुप हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, वेदर इट इज प्लस आई और माइनस आई, जो भी सर्कल वाला ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई करना है, वेदर इट इज प्लस आई और माइनस आई। चलिए अब देखते हैं, अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन कौन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे माइनस आ जाएगा, डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस, तो जिस पे माइनस आई ये क्या हो गया, माइनस आई ग्रुप, और रिमेनिंग क्या हो जाएगा, प्लस आई ग्रुप।
नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव और कार्बन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, निगेटिव, मीन्स ये माइनस आई ग्रुप। कार्बन की चेन क्या होगी, प्लस आई ग्रुप। अब देखिए ये कार्बन है आपका सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 और ये डबल बॉन्डेड कार्बन कैसा होता है sp2। सो हमें पता ही है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ sp2 कार्बन sp3 कार्बन sp3 कार्बन लेस देन sp2 कार्बन लेस देन sp कार्बन। तो sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन sp2 देन sp3। तो देखिए sp3 खींचेगा कि sp2, sp2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस पे आएगा डेल्टा माइनस चार्ज और इस पे आएगा डेल्टा प्लस चार्ज, तो ये क्या हो गया आपका माइनस आई ग्रुप। नेक्स्ट ये हो गया आपका sp3 कार्बन, ये हो गया आपका sp कार्बन, sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये सर्कल वाला ग्रुप क्या हुआ माइनस आई ग्रुप, सर्कल वाला ग्रुप क्या हो जाएगा आपके लिए माइनस आई ग्रुप और रिमेनिंग क्या हो जाएगा प्लस आई ग्रुप। चलिए इस एग्जाम्पल में देखते हैं, CH3 इज sp3 और ये डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होता है sp2, तो डबल बॉन्डेड कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो sp3 क्या हो गया प्लस आई ग्रुप और ये बेंजीन रिंग क्या होगी माइनस आई ग्रुप। नेक्स्ट कार्बन और क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन क्या करेगा यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और इस पे चार्ज क्या आएगा डेल्टा प्लस, तो ये माइनस आई ग्रुप क्लोरीन हो गया और बेंजीन क्या हो गया आपका प्लस आई ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस आई ग्रुप। तो ये तो एक एग्जांपल हो आपके पास कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है प्लस आई और माइनस आई ग्रुप। जैसे अगर मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 OH2 प्लस, आ गया OH2 प्लस। अब देखिए इस पे ऑलरेडी प्लस चार्ज है तो ये क्या करेगा खुद इलेक्ट्रॉन खींचेगा करेक्ट, तो ये क्या हो गया आपके लिए OH2 प्लस माइनस आई ग्रुप और रिमेनिंग जो कार्बन वाली चेन क्या हो गया आपके लिए प्लस आई ग्रुप, तो ये क्या हो गया प्लस आई ग्रुप। अब देखिए दो टाइप के ग्रुप होते हैं, आपके पास एक माइनस आई ग्रुप है और एक आपके पास है प्लस आई ग्रुप। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर माइनस आई पावर और मोर प्लस आई पावर, तो मैं एक आपको यहां पे ऑर्डर देता हूं माइनस आई पावर की, चलो देखते हैं। माइनस आई ग्रुप सीरीज, माइनस आई ग्रुप सीरीज, देखो याद कैसे रखना है, जिस पे पहले तो पॉजिटिव ग्रुप का माइनस आई पावर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल ग्रुप, एज कंपेयर टू न्यूट्रल ग्रुप, ऐसे याद रखना है आपको, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसका माइनस आई पावर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्लस न्यूट्रल ग्रुप। चलिए इसका सीरीज लिखते हैं, तो प्लस आई सीरीज, यहां पे मैं कुछ आपको एलिमेंट्स दूंगा प्लस आई सीरीज में, तो आप उसको देखिए कैसे कैसे आपको लिखना है। चलो पहला देखते हैं NF3 प्लस माइनस आई, सॉरी ये माइनस आई सीरीज कर लेंगे, NF3 प्लस हो गया माइनस आई सीरीज, तो पहले माइनस आई सीरीज का पढ़ लेंगे, ग्रेटर देन OR2 प्लस, ग्रेटर देन NR3 प्लस, ग्रेटर देन NH3 प्लस, ग्रेटर देन NO2, ग्रेटर देन SO3H, ग्रेटर देन साइनाइड, ग्रेटर देन अल्डिहाइड, ग्रेटर देन कीटोन, ग्रेटर देन कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज C डबल बॉन्ड OH, ग्रेटर देन फ्लोरीन क्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन, उसके बाद ग्रेटर देन OH OR ग्रेटर देन OH, नेक्स्ट आता है ग्रेटर देन NHR, ग्रेटर देन NH2, ग्रेटर देन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अल्काइन, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे फिनाइल रिंग C6H5 और लास्ट में क्या आता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये हो गया आपका माइनस आई सीरीज, तो ये हो गया आपके लिए माइनस आई सीरीज, तो ये हो गया आपका माइनस आई सीरीज। तो ये लेक्चर डिटेल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट है, तो ये माइनस आई सीरीज हुआ, तो चलिए प्लस आई सीरीज में देखते हैं। प्लस आई सीरीज, तो इस लेक्चर में मैं यहाँ पे सीरीज लेके इसको वाइंड अप करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर आएगा अप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए प्लस आई सीरीज करते हैं, प्लस आई सीरीज में देखो याद कैसे रखना है
negative group greater than neutral group. ऐसे आपको याद रखना, जिस पे भी नेगेटिव चार्ज है वो मोर प्लस आई ग्रुप. जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 माइनस ग्रेटर देन NH माइनस ग्रेटर देन O माइनस ग्रेटर देन COO माइनस ग्रेटर देन 3 डिग्री अल्काइल ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्काइल. नेक्स्ट वन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्काइल 1 डिग्री अल्काइल ग्रेटर देन CT3 ग्रेटर देन CD3 ग्रेटर देन CH3. तो ये हो गया आपका प्लस आई सीरीज. तो माइनस आई सीरीज में पहले आपको याद रखना है पॉजिटिव ग्रुप देन न्यूट्रल, प्लस आई सीरीज में याद क्या रखना है नेगेटिव ग्रुप देन न्यूट्रल ग्रुप. तो ये हो गया प्लस आई और माइनस आई सीरीज. तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट का, उसके में उसके थोड़े एप्लीकेशन और उसके बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे. तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट का पहला लेक्चर, इंडक्टिव इफेक्ट 1. तो प्लीज फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब, और आगे चल के आपको वीडियो आएंगे. तो मैं आपके आपको यहाँ पे कंप्लीट GOC करवा के दूंगा फॉर IIT JEE एग्जाम, वो नीट एग्जाम, वो IIT जाम एग्जाम, और एनी MSc केमिस्ट्री एंट्रांस एग्जाम. थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा. थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज.